हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रवि कोचिंग। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक रीजनिंग का जो टच करेंगे वो है इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर। देखिए दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजनिंग टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों इस सब सवाल को हल किया जाए। एक नंबर देखिए दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल देखने मिलेगा 1623। आपको इस टाइप का कुछ फिगर दे दिया जाएगा और उस फिगर में कुछ नंबर आप रहेंगे। जो नंबर नहीं रहेगा, मतलब जिस पोजीशन में क्वेश्चन मार्क आपको देखने मिलेगा उस जगह का जो नंबर है, लॉजिकली आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे एग्जाम में। आपको देखिए दोस्तों इस तरह लाइक दिस, तो देखिए दोस्तों इस सब सारे इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए आपको दिए हुए प्रश्नों में कोई भी दो फिगर ले लीजिए दोस्तों। पहले जो दो फिगर हैं, एक और ये दो, ये दोनों फिगर में ये जो नंबर के जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस, आपको क्या करना है, एक पैटर्न खोजना है दोस्तों। अगर आप पैटर्न खोजने में समर्थ हो गए, आप कैपेबल हो गए, तो आपको आसान चुटकियों में आपको जो क्वेश्चन है आप हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में आपको पैटर्न देखिए दोस्तों। एक देखिए देखिए दोस्तों 162, ये तीनों के साथ कैसा रिश्ता बन रहा है जिसके लिए सोल्यूशन मेरा 3 आ रहा है। उसी में दोस्तों बाहर का जो 9, 3 और ये जो दोस्तों है 10, इसमें कौन सा रिलेशन आप बनाइएगा, मतलब प्लस का, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, या तो आपका मल्टीप्लिकेशन का, या देखिए दोस्तों किस तरह, या स्क्वायर रूट का हम देख रहे हैं दोस्तों। साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों, अगर ये दो चीज़ों को, अगर ये जो दिए हुए जो मेरे हैं सवाल, इस सवाल को देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मिसिंग है, आप थोड़ा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक गलत कर दिए हैं सवाल में। यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 2 होगा। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से आप कर लीजिएगा। तो बाहर का जो मेरा जो नंबर्स है, बाहर का जो मेरा नंबर्स है, इस नंबर को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ इस तरह, तो देखिए मेरा भीतर का जो इंसर्टिंग फिगर के अंदर, मैंने अंदर का जो मेरा नंबर है वो नंबर आ रहा है। सिमिलरली दोस्तों ये सेकंड वाले जो फिगर है उसमें भी हम एक ही रूल अप्लाई करेंगे, एक ही पैटर्न अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इसको बाहर वाले दिए गए जो फिगर है 9 × 3 × 10, देखिए देखो दोस्तों 27 × 10 कितना आ रहा है, 270। तो सेम देखिए लॉजिक यहाँ पर भी वही है दोस्तों, सेम लॉजिक यहाँ पर भी आपको लगाना है। तो लॉजिक सेम लॉजिक से ये भी हल हुआ है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है थर्ड वाले जो फिगर हो उसी तरह से बना हुआ होगा, तो एक ही सिमिलरली दोस्तों 5 × 6 × 7, देखिए दोस्तों कितना हो रहा है हमारा, हमारा हो गया 25, यहाँ पर 210। तो ये 210 हमारा आ गया। आप हल करके देख सकते हैं दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी आसानी से ये हल हो गया। तो इस तरह इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर में आपको क्या करना है दोस्तों, और एक बार फिर बोल दूं, आपको पहले और दूसरे दिए गए जो फिगर है उनको आपस में जो नंबर्स है, नंबर के जो ओरिएंटेशन है, ये जो पहला वाला 1 बाहर की तरफ, मुझको अंदर का जो ज्ञात करना था दोस्तों। देखिए मिडिल का, मैंने अंदर का फिगर का अंदर का जो मेरा नंबर है उसको ज्ञात करना था, इसीलिए मैंने क्या किया, बाहर दिए हुए जो शब्द थे, बाहर दिए गए जो नंबर्स थे उनमें मैंने आपस में एक जुगाड़ बनाया। जुगाड़ मतलब क्या दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन का खेला है और कुछ नहीं। सारा जो चीज़ है मामला है मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन के साथ ही ये मामला सिलेट जाता है दोस्तों। तो देखिए चलिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह सा है, एक सर्कल है, एक सर्कल के पार्टीशन है, 4 क्वाड्रेंट हैं, एक में 5, एक में 7, यहाँ ऑप्शन 50, 53, 49, 56। तो देखिए दोस्तों 4 क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट के अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब पहला जो क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, उसका भीतर का जो संख्या उसको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस तरह का सवाल किस तरह हल करेंगे हम दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपको इसको एक रिलेशनशिप खोजना है। रिलेशनशिप अगर खोजेंगे दोस्तों तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं 9, 2 और 9, ये जो नंबर्स है मेरा 2 और 9 को, अगर मैं 9 से 2 को अगर सब्सट्रैक्ट करूँ, घटाऊँ, तो मेरा देखिए दोस्तों 5 आ रहा है, जो कि इसके साथ एक रिलेशन में है। तो सिमिलरली दोस्तों 7 के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, आपको पता ही होगा दोस्तों 7 का अगर हम
स्क्वायर रूट अप करें तो कितना आ रहा है 49। तो 49 आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है इस ए पोजिशन के लिए। देखिए दोस्तों इसका रिश्ता बन रहा है, रिश्ता जाहिर सी बात है बन रहा है। यहाँ पर अगर मैं 9 को पहले लिख दूँ, 49 को कुछ इस तरह सजाऊं, 9 माइनस 4, तो देखिए दोस्तों कितना बन रहा है मेरा। देखिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर मेरा 5 बन गया। तो इस तरह का रिलेशन आपको देखने मिलेगा और इस रिलेशन से ही ये हल होगा। तो देखिए दोस्तों 59 देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना आया मेरा 49। तो 49 यहाँ पर है दोस्तों, तो ये 49 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। सिर्फ आपको क्या दोस्तों एक रिलेशन, एक पैटर्न खोजना है। यहाँ पर 29 के साथ 5 का मैंने पैटर्न खोज दिया, 9 माइनस 2 का, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो मेरा एक पैटर्न बना। सिमिलरली दोस्तों मैंने 7 के साथ भी ऐसा ही एक पैटर्न बनाया, 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है, 49 को मैंने 9 माइनस 4 के रूप में लिखा जो कि मेरा 5 आया। तो उसी तरह दोस्तों मेरा क्या हुआ आंसर 49। चलिए दोस्तों थर्ड वाले चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरे वाले जो क्वेश्चन है इसमें इस तरह का कुछ फिगर दिया हुआ है दोस्तों। पार्टीशन है, पार्टीशन दे दिया जाए 9, 4, 6, 69, 12, 8, 2, 5, 4, D, none। चलिए दोस्तों किस हल सॉल्व किया जाए इसको। तो किस तरह कीजिएगा दोस्तों, देखिए जो दिए हुए फिगर हैं ये आपस में कनेक्टेड है। पहले जो देख रहे हैं ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों आपस में किस पैटर्न में अगर सजाया जाए तो मेरा ये चीज निकल रहा है दोस्तों। इस पैटर्न को खोजना है आपको, आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न और कुछ नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर 9 के साथ मेरा 9 के साथ अगर 4 को हटाया जाए तो कितना आ रहा है 5, जो कि मेरा नहीं है यहाँ पर। तो इस पैटर्न को यहाँ पर अप्लाई नहीं है दोस्तों, तो दूसरा कोई पैटर्न फॉलो किया जाए। हाँ एक पैटर्न फॉलो किया सकता है, 9 × 4 कितना आ रहा है 36, तो भी ये 6 तो 36 क्या हो रहा है, देखिए रिश्ता बन रहा है दोस्तों, एक रिश्ता बन रहा है। रिश्ता क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ का, जो 36 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, 6 है। तो दोस्तों अगर इसको इस फॉर्म में अगर लिखा जाए तो देखिए दोस्तों ये सेम चीज क्या है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखिए अप्लाई करके देखिए दोस्तों, हाँ अप्लाई करके देखिए 16 × 9 इज इक्वल टू कितना हो रहा है दोस्तों, इज इक्वल टू 144। अगर इसको अगर स्क्वायर रूट ऑफ किया जाए तो कितना आ रहा है दोस्तों 12। यस मेरा सवाल हो गया दोस्तों, पहले और दूसरे में अगर आप सेम पैटर्न अगर अप्लाइड हो तो थर्ड वाले में जाहिर सी बात है दोस्तों वही पैटर्न अप्लाइड होगा। तो आसानी से हो गया दोस्तों, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 16 जो कि 4 का स्क्वायर रूट है। तो आसानी से हो गया दोस्तों मेरा ऑप्शन 4, ऑप्शन सी मेरा इज द राइट आंसर। देख सकते हैं दोस्तों और कुछ नहीं, जो सारा मामला है पैटर्न खोजने का है। आप अगर पैटर्न खोज लेते हैं तो आपका सवाल है जो चुटकियों में बन जाता है दोस्तों, सेकंड विद इन सेकंड आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। काफी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं दोस्तों, मैं सभी टाइप के जो वैरायटी है वो करा रहा हूँ दोस्तों, सभी टाइप के जो वैरायटी है वो करा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि इससे रिलेटेड रीजनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको रेगुलरली। चलिए दोस्तों तो इस टाइप के सवाल को किस तरह हल किया जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो मिडिल के जो पोर्शन है उसको आपको ज्ञात करने दिया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसके बाहरे जो चार जो खंभे दिख रहे हैं दोस्तों, चार खंभे जो बोले भी आप, ये जो आपस में इंटरकनेक्टेड है इस तरह कि कुछ इस तरह को इंटरकनेक्टेड है जो कि
41 मीटर वाला ला रहा है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, या दोनों, या तो आप इसको जोड़कर और इसको जोड़कर आपस में घटा सकते हैं, या आपको इसको गुणा, देखिए दोस्तों क्या पैटर्न बनना, चलिए दोस्त देखते हैं, 57 प्लस 16 23 प्लस 9, इस तरह के अगर आप इसको दोनों को जोड़कर ऐड कर कर आपस में घटा के देखें तो क्या क्या मेरा आ रहा है, 73 माइनस 32, हाँ आ रहा है दोस्तों, तो ये मेरा पैटर्न बन गया, एक पैटर्न बन गया। चलिए दोस्तों इस सेम पैटर्न का यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है, अगर अप्लाइड हो तो जाहिर सी बात है थर्ड वाला मेरा उसी पैटर्न को फॉलो किएगा करेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर भी देख लेते हैं, 47 प्लस 10 माइनस 11 प्लस 7, चलिए दोस्तों कितना हो रहा है, 57 माइनस 18, तो कितना हो रहा है दोस्तों, 39, देखिए दोस्तों, तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, तो थर्ड वाले में जाहिर सी बात है दोस्तों एक ही चीज़ फॉलो हुआ होगा। चलिए दोस्तों करके देख लेते हैं, यहाँ पर थर्ड वाले में 35 प्लस 12 माइनस 15 प्लस 7, तो देखिए दोस्तों कितना हो रहा है, 57 माइनस 18, तो ये मेरा निकल गया आंसर कितना, 39। तो देखिए तो देखो कितना आ रहा है दोस्तों, 47 एक मिनट सॉरी दोस्तों 35 प्लस 12 कितना आ रहा है, 47 माइनस 22, तो कितना आ रहा है दोस्तों, 25, यस। देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से इस सवाल को मैंने हल कर दिया, आप देख सकते हैं पहले वाले में देख सकते हैं किस तरह का रिलेशन बनाया है मैंने, इस दोनों को आपस में जोड़ा है, उसके बाद घटाया है, सब्सट्रैक्ट किया है किससे, 23 प्लस 9 से, 23 प्लस 9 मतलब ऐड करके मेरा कितना आया, 32 आया। तो देखिए दोस्तों एक रिलेशन मैंने तैयार किया पहले वाले में, तो सेम रिलेशन मेरा दूसरा वाला क्या फॉलो कर रहा है, अगर करे तो थर्ड वाला जाहिर सी बात है दोस्तों वही रिलेशन फॉलो करके होगा। तो देखिए दोस्तों एक दो सिमिलर भी थर्ड में वही भी फॉलो किया है, तो 41 39 और यहाँ पर मेरा कितना होगा दोस्तों, 25। चलिए दोस्तों इसके बाद वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों देखा जाए इसको, तो यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के बाहर 3 नंबर हैं और इसके अंदर वाले जो नंबर है सेकंड फिगर है मुझको आइडेंटिफाई करना है, तो किस तरह करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस तीनों जो नंबर दिया हुआ है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक रिलेशनशिप में है, जो कि जाके 21 अंदर वाला जो नंबर है मेरा वो फॉर्म कर रहा है, तो किस तरह इंटरकनेक्टेड है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो 64 प्लस 36 प्लस 49 ये तीनों स्क्वायर रूट हैं, स्क्वायर रूट ऑफ हैं, किस चीज़ का करके देखिए दोस्तों, 64 स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 49 स्क्वायर रूट।